हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रीति के साथ, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि सारांश ने मेरे बेटे देव को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए आप इसे अरेस्ट कीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर सर हिला देते हैं और सारांश को पकड़ लेते हैं। सारांश प्रशा से कहता है, मम्मा मुझे नहीं जाना जेल। रुद्राक्ष कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि सारांश हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो गुड बॉय है। रेवती कहती है कि सारांश ये डिजर्व नहीं करता कि वो बाहर आज़ाद घूमे। प्रशा रेवती से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सारांश को छोड़ दो। रेवती उससे कहती है कि क्या किया तुम्हारे बेटे ने अगर मैंने ये छोड़ दिया तो, और अगर यही काम मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ किया होता तो। रुद्राक्ष भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सारांश को पनिश ना किया जाए। देव यहाँ नर्स से कहता है कि रेवती को बुलाएं। रुद्राक्ष माफ़ी मांगता है रेवती से और कहता है कि हम ये प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पुलिस अरेस्ट कर लेती है सारांश को और उसे ले ही जा रही होती है। नर्स इन्फॉर्म करती है कि आपका बेटा देव आपको बुला रहा है। हर कोई देव के कमरे में जाता है। देव कहता है रेवती से कि सारांश को जेल मत भेजिए। अब वो कहता है कि वैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बिना किसी गलती के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मैं नहीं चाहता सारांश भी जेल में सफ़र करे। तभी वो कहता है कि सारांश का जो करियर है वो भी ख़राब हो जाएगा और सारांश ने मुझे गुस्से में पीटा था। रेवती अपने बेटे देव की इस बात की तारीफ करती है और पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि देव नहीं चाहता कि ये जेल जाए, तो हम देव के खिलाफ जो हमने सारांश के खिलाफ कंप्लेन ली थी वो हम वापस ले लेते हैं। और रेवती यहाँ पर खुश हो जाती है अपने बेटे की ये बड़ा काम देखकर कि, और प्रशा भी यहाँ पर रेवती को थैंक्स कहती है। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि एक पेशेंट युवराज से कहता है कि क्या आप मेरे लिए व्हीलचेयर ले आएंगे। युवराज उसे टॉन्ट कहता है और कहता है कि दिख नहीं रहा, मैं खुराना को देख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सारांश यहाँ अपोलोजाइज करता है प्रशा से और उससे कहता है कि आप ठीक है ना। तभी प्रशा कहती है कि कोई बात नहीं बच्चा, सब ठीक है, अब तुम भी सब भूल जाओ। प्रशा रुद्राक्ष को सब कुछ बताती है कि देव का ये प्लान था, उसने रेवती का भरोसा जीत करके ये सब किया है। सारांश कहता है इवन आलिया को भी इस बार कुछ कहने के नहीं छोड़ा देव ने, और वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम चलकर के आलिया से बात करेंगे। युवराज यहाँ पर प्रशा से बात करता है पहले। प्रशा आलिया से कहती है कि देव बिल्कुल ठीक है। आलिया माफ़ी मांगती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं कहा। प्रशा कहती है कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन तुम अपनी माँ को सच बता सकती हो। यहाँ पर आलिया कहती है कि नहीं, मैं मम्मा को नहीं बता सकती क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, अगर मैंने उनको सच बता दिया तो वो सह नहीं पाएंगी और उनका शौक और टेंशन से कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि माँ को कुछ भी नहीं पता देव भैया के बारे में, देव भैया उनसे हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और वो हो सकता है कि ये सब कुछ जानने के बाद अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि देव रियलिटी में क्या है वो उन्हें नहीं पता, इसलिए मैं शांत रहती हूँ। प्रशा उसे कंसोल करती है और हॉस्पिटल से रुद्राक्ष के साथ चली जाती है। युवराज प्रशा का नाम चिल्लाता है और कहता है वो रॉकस्टार रुद्राक्ष भी यहाँ है, वाह। हर कोई देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर रुद्राक्ष का नाम चिल्लाता है और सारे लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। प्रशा कहती है रुद्राक्ष से कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ पार्किंग एरिया में, तुम जाओ। युवराज उसे फॉलो करता है। तभी प्रशा अपने आप के बारे में क्लेम कर ही रही होती है कि वो रुद्राक्ष को कितना प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर युवराज अपनी बकवास करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि प्यार तो तुम मुझसे करती हो, तभी तो आज तक तुमने किसी को बताया नहीं कि राजीव को मैंने मारा था। यहाँ पर प्रशा कहती है मैंने तुम्हें कभी भी उस तरीके से प्यार नहीं किया जिस तरीके से मैंने रुद्र को प्यार किया है। यहाँ पर वो कहता है युवराज तुमने मुझे प्यार किया है, तभी तो तुमने मुझे आज तक बताया नहीं, यानी कि रुद्राक्ष को जिसको तुम इतना प्यार करती हो उसे भी नहीं बताया कि राजीव का खून मैंने किया है और तुमने नहीं। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो सिवाय राजीव के मर्डरर के। और यहाँ पर वो पीछे से देख लेता है कि रुद्राक्ष आ रहा है और युवराज रिकॉल करता है कि कैसे रुद्राक्ष को आते हुए वो देखता है और इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करता हूँ और रुद्राक्ष अब
यहाँ पर कभी भी प्रशा को माफ़ नहीं करेगा ये सच छुपाने के लिए। और रुद्राक्ष ऐसे ही ये बात सुनता है कि वो राजीव के मर्डर के बारे में बात कर रहा है, वो उसे पीटना शुरू कर देता है। युवराज वहाँ से भाग जाता है और रुद्राक्ष प्रशा पर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, और प्रशा रोती रह जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, एंड जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।